में भव्य भंडारा के आयोजन रखे आश्रम में भोग भंडारा हुई। 11 बजे से लाइव टेलीकास्ट एलईडी स्क्रीन में हम दिखाया जाएगा। अयोध्या में राम मंदिर में रामलला भगवान श्री रामचंद्र जी ला विराजमान करे के तैयारी पूर्ण रूप से चलत है। 22 जनवरी के वो भव्य कार्यक्रम हुई। एकर छोड़ साथ साथ ही पूरा देश में एक राममय वातावरण बने है। हमारे छत्तीसगढ़ भगवान राम से सीधा जुड़े हुए हैं। भगवान राम के ननिहाल है। एकर सती हर आदमी के मन में भगवान राम बसे। हमारे छत्तीसगढ़ में भी हर गांव गांव में तैयारी चलत है। रामायण समिति हो चाहे मंदिर हो, वो मन सब अपन अपन तैयारी करते है। एकर अलावा हमारे छत्तीसगढ़ में बहुत संत महात्मा है जो सत्य सनातन धर्म के प्रचार प्रसार विभिन्न माध्यम से करते है। उकरों मन के तरफ से बहुत तैयारी है। हमन अभी हन भागवत आश्रम लिमतरा में और यहाँ गुरुदेव निरंजन महाराज जी भगवताचार्य और भागवत कथा के माध्यम से सनातन धर्म ला और भगवान श्री राम और कृष्ण के उमन प्रचार प्रसार में हमेशा लगे रहते। हम ओकर से जानना चाहबो कि 22 जनवरी के एक उत्सव लेके उकर मन के का सोच है और उनका तैयारी के। भगवान राम तो वो आनंद सिंधु है जेकर स्मरण मात्र से 3 लोक 14 भुवन हर्षित हो जाते। आज ये पावन क्षण हमला मिले है, हमला तो विश्वास नहीं होते कि अपन आँखी में हम 22 तारीख के राम मंदिर के प्रतिष्ठा देखबो। सबसे पहली भगवान राम के चरण में कोटि कोटि प्रणाम, हनुमान जी कोटि कोटि प्रणाम और लाखों करोड़ उन भक्त मल्ला प्रणाम जिकर प्रयास से आज ये दिन देखे मिला थे। एक नया दीपावली हमार पूरा छत्तीसगढ़ में गांव गांव में हर मंदिर में हर गली में एक दीपोत्सव हुई और धन्य है हमारा कि 140 करोड़ भारतीय के श्रद्धा प्रेम विश्वास भावना प्रतिष्ठित होते। आज भगवान तो सदा प्रतिष्ठित है, युग युग से प्रतिष्ठित है राम, लेकिन आज हमार मन के श्रद्धा भावना प्रेम ल प्रतिष्ठा मिलत है और ऐसे लगत है कि आज घर घर में राम आ गए है। और यही उत्सव आश्रम में मनाया जाते है, बृहद रूप से मनाया जाए। आश्रम में भोग भंडारा हुई, हम मूर्ति में बैठ के सब दर्शन करबो और ये महान पर्व एक भारत के कावर भगवान अभेद है और अभेद है तेकर सेती केवल भारत के लिए ही नहीं बल्कि विश्व बंधु हमार सनातन धर्म है। सत्य सनातन धर्म भारतीय संस्कृति तो हम पूरा विश्वल परिवार बांधन। सबसे मैं यही अपेक्षा करत हूँ, कामना करत हूँ कि जतका हो सके पूर्ण हर्षोल्लास से और दीपोत्सव मना के मंदिर में घर में गली में और भगवान राम के जो महान प्रतिष्ठा के कार्यक्रम है वो में अपन सब योगदान दे। समस्त शिष्य मल्ला, समस्त प्रेमी जन मल्ला और जन जल्ला मैं यही प्रणाम करते हुए आप सबके लिए आह्वान कर। पूरा गांव गांव में खुशी का माहौल है। गांव में हम जेला भी पूछे थे वो मन सब कहा थे कि हम 22 जनवरी के दीप जलाबो अपन घर में। एक दिवाली हम मना चुके हैं लेकिन दूसरा दिवाली हम 22 जनवरी के मनाबो। आओ देखते हैं ग्राम कोड़ेवा के कुछ महिला मन से अपन बात करते हैं, वो मन बहुत खुशी के माहौल है। आप बताइए कि आप रामलला के जब स्थापना हुई 22 जनवरी के तो आप मन गाँव में का खुशी मनाऊ। पहली तो जय जोहार संगवारी हो और जय श्री राम जय श्री राम जय श्री राम। हाँ, हम ना दिवाली मनाथन जैसे भगवान श्री रामचंद्र जी 14 वर्ष का वनवास से लौटी सब घरों घर दिया जलाथन नहीं तो इसने मनाबो बाबा हो दिया बत्ती जलाबो। आप बताइए कि कैसे 22 जनवरी को किस रूप में मनाएंगे आप? 22 जनवरी को हम लोग उस दिन दिवाली की तरह मनाएंगे, जैसे 14 साल के बाद श्री राम वापस आए थे तब दिवाली मनाते थे, इस बार फिर उनकी स्थापना हो रही है उस उपलक्ष में दिवाली की तरह उनका ये दिन मनाएंगे। 22 जनवरी को देखिए किस तरह से खुशी का माहौल है और अभी हम जानना चाहेंगे कि कैसे ओमन 22 जनवरी ला बहुत खुशी के साथ मनाही। आप बताइए कैसे मनाएंगे 22 जनवरी? 22 जनवरी ला जैसे दीपावली ला नवंबर महीना मनाहन वैसे अभी 22 जनवरी के मनाबो। जय श्री राम जय श्री राम जय श्री राम। हमारे बीच बहुत सारे महिला मन है जो मन खुशी के मारे अपन आगाज हो गए, जो मन खुशी ला अपन आप में समा नहीं सकते। हम और बात करबो देखा था कि ओमन 22 जनवरी को क्या तैयारी करे।
22 जनवरी को बहुत धूमधाम से हम लोग दिवाली मनाएंगे और जय श्री राम। आप बताइए, दिवाली का त्यौहार जैसे मनाते हैं वैसे ही 22 जनवरी को दिवाली के जैसे मनाएंगे दीप जलाकर। देख सकते हैं आप लोग किस तरह से एक बहुत खुशी का माहौल बना हुआ है। श्री तुलसी मानस प्रतिष्ठान छत्तीसगढ़ के प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष जगदीश देशमुख जी भी आज हमारे साथ जुड़े। हम उकर से जानना चाहबो कि 22 जनवरी के कार्यक्रम ला वो कैसन रूप में देखा थे और का तैयारी और कतका उत्साह है। तो अयोध्या के धरती ला हम प्रणाम करत हन। कावर भगवान राम जब भी छत्तीसगढ़ में रही से 11 साल तो अयोध्या के याद करे और अयोध्या ला प्रणाम करे कि बंदव अवध पुरी अति पावनी सरयू सर कली कलुष नसावनी पुनि प्रणवाओ नर नारी बहोरी जिन पर कृपा राम की न थोरी। तो भगवान राम तो अतिशय प्रेम करे अयोध्यावासी ला और अवध के माटी में अवध के पुण्य माटी में 500 साल के दीर्घ प्रतीक्षा के बाद रामलला विराजमान होते। अब 500 साल के बाद जब हम रामलला विराजमान देखत हन तो निश्चित रूप से हम रामलला के प्राण प्रतिष्ठा के साक्षी बने हन। हम गंगा मैया अंचल के प्रसिद्ध शक्तिपीठ गंगा मैया में पूरा प्रांत स्तर के मीटिंग बुला रहे हैं और वो बैठक में ये संदेश दे गए हैं पूरा कि हमारे प्रतिष्ठान के जतका पदाधिकारी है ब्लॉक लेवल के तहसील लेवल के जिला लेवल के प्रांत लेवल के ओमन लमन सूचना जारी करे हैं कि प्रत्येक गांव में दीपोत्सव मनाए जाही और असली दीपोत्सव 22 तारीख के होई। जी कावर भगवान राम जो है 500 साल के बाद अयोध्या में विराजमान होते तो निश्चित रूप से असली दिवाली जो है घर घर दीपक जली और पूरा आलोकित होई राम चेतना से अनुप्राणित होई पूरा धरती है और एक आदर्श और मर्यादा के एक पुंज पूरे पूरा देश में खड़ा हुई। अभी हमन बालोद जिला के ग्राम भेड़ी के कामधेनु माँ काली माता मंदिर में हैं और यहाँ भी 22 जनवरी के बहुत अच्छा भव्य तैयारी करत हैं। अभी हमन यहाँ के प्रमुख संत गुरुदेव वीरेंद्र देशमुख जी से भी मुलाकात करबो और उकर से जानबो कि उकर का तैयारी है। सबने कही तो पूरा देशवासी मन पूरा छत्तीसगढ़ के भक्त मन जय श्री राम जय गौ माता जय भारत जय हिंद। जी देखो का है 500 साल की तपस्या के बाद आज रामलला जो है उकर प्राण प्रतिष्ठा 22 जनवरी के बल जाते 19 ठन गांव में जो पूजित अक्षत जो आए इस कलश वो चावल ला 19 गांव में पूरा घरों घर पहुंचा के कार्यक्रम करा था और 22 जनवरी के जब प्राण प्रतिष्ठा हुई रामलला के तो आयोजन बनाए के है सब कोई मिल के पूरा गांव वासी नगर शहर सब मिल के बैठ करके चर्चा करके हम एक बनाए हैं। हमरो ग्राम भीड़ी सूर्य गांव जिला बालोद के काम दिन जो धाम है यहाँ पे भव्य भंडारा के आयोजन रखे हैं जिमे हमन गांव में घोषणा कर दे हैं कि कोई हमारे गांव के जतक सदस्य है माँ बहनी दाई दादा भाई बहन सब जितना जम्मो लड़का सियान सब इंचे कर भोजन प्रसादी पाना है करके कोई अपन घर में चूल्हा नहीं जलाए करके बहुत भव्य तैयारी में मतलब ये है मान के चलो ऐतिहासिक तैयारी रही है। हमारे क्षेत्र बालोद जिला में बिलमांड है करी बदर के पास में हथौद में हमारे मुक्ताश्रम महर्षि मुक्ताश्रम आश्रम है वहाँ भी तैयारी चल रही है। हम बात करबो महर्षि मुक्ताश्रम के संरक्षक पुरुषोत्तम राजपूत जी से और जानना चाहबो कि कति और का कैसे ढंग से तैयारी चल रही है। पुरुषोत्तम जी मैं पुरुषोत्तम सिंह राजपूत महर्षि मुक्त न्यास हथौद के संरक्षक के रूप में एक विरासत में मुझे ये दायित्व मिला है। ब्रह्मलीन स्वामी आत्माराम कुंभर जी वेदांत केसरी के पावन जुगल चरणों में रह करके उनके शिष्यत्व तो ग्रहण करने के बाद महर्षि मुक्त आश्रम न्यास जो है वो परम पूज्य स्वामी जी का प्रभास क्षेत्र रहा है जहाँ वेदांत की उर्वरा भूमि के चलते वेदांत का वर्षा निरंतर होती रही और आज हम सबके लिए सौभाग्य का विषय इस समय हम आनंद नंदन सरस्वती हनुमान मंदिर ब्रह्मांड की इस पवित्र प्रांगण से खड़े हैं प्राण प्रतिष्ठा उत्सव के लिए रामलला के लिए जो तैयारी हमारे जिले में चल रही है। प्रत्येक गांवों में अक्षत कलश की यात्रा निकाल करके दीपावली जैसा पूरे गांव को सजाने का संकल्प सभी गांवों ने आश्रय के दिए हैं। उसी तरह से हमारे ब्रह्मांड में भी यहाँ आनंद नंदन सरस्वती हनुमान मंदिर में भी पूरी जोरों से तैयारी चल रही है। मंदिर पूरी तरह से सजाया जाएगा और साथ ही साथ यहाँ भजन कीर्तन भंडारे की पूर्ण व्यवस्था है। सारे लोग आस्था के साथ में जुड़े हुए हैं
चूंकि हमारे लिए राम अस्मिता के राष्ट्र अस्मिता के प्रश्न है, राष्ट्रीय अस्मिता के धरोहर है राम, आदर्श के पुंज है राम, हम सबके जन जन के आराध्य है राम। आज मुक्ताश्रम न्याय पूरे उत्साह के साथ मुक्ताश्रम न्याय को न्यास को भी हथौद को भी अयोध्या धाम के रूप में परिवर्तित करने के लिए कटिबद्ध है। तो सर्वप्रथम मैं समस्त सनातनी समाज को, अब सनातनी समाज में सब आगे अलग अलग नाम लेने की आवश्यकता नहीं है, उन सब को सनातनी समाज को सादर और सविनय पूर्वक भगवान श्री राम के भव्य प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव के पावन पर्व पर अनंत अनंत अशेष शुभकामनाएं प्रदान करता हूँ। हमारे प्रभु श्री राम जो कि इतने वर्षों तक टेंट में रहे, बहुत वर्षों तक टेंट में रहे, वो आज प्रभु श्री राम 22 जनवरी को अभिजीत मुहूर्त में अपने श्री रंग महल में विराजमान हो रहे हैं। भव्य प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव है, तो इससे बढ़कर के हम सब समस्त सनातनी बंधुओं के लिए आनंद की और इससे बढ़कर और क्या खुशी हो सकती है। शिवधाम उदासीन आश्रम में एक भव्य दिव्य आयोजन किया जा रहा है। एक तो नवान्न पारायण जो कि अभी 9 दिन पहले प्रारंभ हो जाएगा और जिस दिन भगवान की प्राण प्रतिष्ठा होगी उस दिन उनका पूर्णा होती होगी, हवन होगा, और 22 जनवरी को अखंड राम नाम संकीर्तन का महामंत्र संकीर्तन का आयोजन किया गया है, जो सुबह 6 बजे से शाम 6 बजे तक अखंड राम नाम संकीर्तन चलेगा, और सायंकालीन शाम के समय में दीपोत्सव का महोत्सव है। लगभग यहाँ पर 1100 दीप प्रज्वलित किए जाएंगे भगवान श्री राम के भव्य प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव के आनंद में, उस उल्लास में। ये है हनुमान जी के मंदिर कमरौद में भी बहुत भव्य आयोजन की है, तैयारी है। का आयोजन करी, का आयोजन हुई, एक समिति के सदस्य में नंबर बीच उपस्थित है, वो मैंने आपको बताएंगे। यहाँ भव्य कलश यात्रा है और राम प्रसाद जी है, विद्यार्थियों से मंदिर को सजाया जाएगा। मतलब उस आयोजन के उपलक्ष्य में लोगों को काफ़ी उत्साह देकर LED में दिखाया जाएगा। राम प्रसाद जी के बहुत बड़े तैयारी है यहाँ। कोई एक मेरो है, कोई एक मेरो है, कोई एक मेरो है, कोई एक मेरो है, कोई मेरे माता पिता हो, तुम्हें मेरे बंधु सखा हो, तुम्हें मेरे माता पिता हो, मेरे बंधु सका हो, तुम्ही धन विद्या मेरे, तुम्ही सर्वस हो देवा, तुम्ही धन विद्या मेरे, तुम्ही सर्वस हो देवा, तुम्ही खेती
गोरी बाड़ी तुम्ही आत्म परिवारी तुम्ही रमते घट घट में तुम्ही बसते कण कण में तेरे बिना कोई न अपना जगत सब झूठी सपना तेरे बिना कोई न अपना जगत सब झूठी सपना।